ये सब हो क्या रहा है? आप जानती थी ना कि देव ने गीत के साथ क्या किया था, और मैं साथ में को एक पल भी यहाँ नहीं देखना चाहता। मान प्लीज, मान प्लीज, मान प्लीज। बेटे, ये आपको क्या हो गया बेटे? हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप ऐसा क्यों बिहेव करें बेटे? से जल्दी यहां से निकलिए। हाँ बेटे, बोलिए ना। दादीमा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। कैसी बातें कर रही हैं आप बेटे? प्लीज ऐसी बातें मत करिए। मैं यहाँ नहीं रह सकता दादीमा। हम बात करेंगे, हम बात करेंगे मान से बेटे। नहीं दादीमा, प्लीज रहने दीजिए। जिस बात से ब्रो को दुख पहुंचे वो काम मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। मुझे जाना ही होगा। आप कहीं नहीं जाएंगे। इस घर में हमारी कोई अहमियत है भी कि नहीं? हमारी राय कोई मायने रखती भी है कि नहीं? जिसकी मर्जी में जो आता है वो करता है। हमारे घर में हमारे बच्चे हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं। हमने आपसे कहा है ना, हम मान से बात करेंगे। दादी माँ प्लीज, अगर आपके दिल में हमारे लिए जरा सी भी इज्जत है ना, आप ये बात दोबारा नहीं कहेंगे। हमने यहाँ लेके आए। कितना गुस्सा है इनमें। एक बार किसी से गलती हो जाए और इन्हें नाराज कर दे तो किसी कीमत पे ही किसी को माफ नहीं करेंगे, अपने भाई को भी नहीं। सच बताना और भी मुश्किल हो गया। कैसे बताऊंगी मान को कि जिसके लिए उनके दिल में इतना गुस्सा है, इतनी नफरत है, उसने खून देकर आपकी जान बचाई। कभी ना कभी तो पता नहीं होगा, लेकिन आज नहीं। सूप पी लीजिए। मुझे भूख नहीं है। मान, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा पी लीजिए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे क्या हो गया? गीत, जब से मैंने मुझे उस आदमी की शक्ल से नफरत है। जब भी मैं उसे देखता हूं तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। आई एम सॉरी गीत, मैं अपने गुस्से की आग में ये भूल गया कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी जब तुमने देव को भी देखा होगा। पर तुम फिक्र मत करो, देव यहाँ नहीं रहेगा। मान, मैं समझती हूँ कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मगर कुछ भी करने से पहले आप एक बार सोच लीजिए दादी माँ के बारे में और देव सच में ठीक नहीं है तो अभी गुस्सा होकर क्या फायदा। गीत, तुम उसकी ज्यादा फिक्र मत करो। ऐसे गिरे हुए इंसान के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। दोबारा ऐसी बातें मत करना गीत, देव यहाँ नहीं रहेगा। चाहे दादी माँ मुझे कुछ भी कहे, लेकिन गीत, मान, हम आपसे कुछ पूछने आए। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अब इस घर में हमारा कहा कभी माना जाएगा या नहीं। दादी माँ, आपकी हर बात सर आंखों पे, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और देव यहाँ नहीं रह सकता दादी माँ। देव जख्मी है मान, आप हमें बताइए, अगर उनकी जगह आप होते तो हम क्या करते? उन्होंने जो भी किया है तो वो हमारा खून ना। दादी माँ, क्या आप भूल गए कि देव ने गीत के साथ क्या किया था? हम सब जानते हैं बेटा, और हम सब समझते भी हैं, लेकिन इस वक्त हमारी जिम्मेदारी हमसे ये कह रही है कि हम देव को यहां से कहीं नहीं जाने दे सकते। नहीं दादी माँ, मैं मान बेटे, प्लीज हम तो सिर्फ आपसे विनती कर सकते हैं बेटा। हमसे बिनती करें बेटा। ठीक है दादी माँ, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ रह सकता है। प्लीज दादी माँ, वो आउट हाउस से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो खेत के सामने आए। आप आ गई, खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं सुंदर, थैंक यू, मुझे एकदम भी भूख नहीं है। ये बाहर किसके लिए खाना लेके जा रहे हो? जी आउट हाउस में। आउट हाउस में गेस्ट आए क्या? जी वो एनी बेटे, आउट हाउस में देव है। देव भाई, दादी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कितनी बदल गई। बदल तो आप भी गए भाई, इतने सालों में मुझे एक बार मिले तक नहीं, बहुत कुछ बदल गया है। हाँ बदल तो गया है। तुम भी ब्रो की तरह मुझसे नफरत करती हो। बिल्कुल भी नहीं भाई, जिस तरह आप अपनी हर गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम में से कोई भी आपसे कैसे नफरत कर सकता है भाई। इस तरह की नेगेटिव बातें अपने दिल से निकाल दीजिए और चलिए अब बैठिए, खाना खाइए। हमारी छोटी सी आनी कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आपके चेहरे पर उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और मान भाई को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, देर से ही सही पर वो समझ जाएंगे। नहीं यानी जो मैंने किया उसके बाद वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। वक्त अपने आप सब ठीक कर देगा। जब उन्हें पता चलेगा कि आपने उनके लिए क्या किया है वो खुद समझ जाएंगे। नहीं प्लीज, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ब्रो को कुछ नहीं बताओगी, तुम उनको नहीं बताओगी कि मैंने उन्हें खून दिया, वरना पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे। नहीं प्लीज प्रॉमिस मी। पर भाई नहीं प्लीज। ओके आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। आज के बाद तुम ये भूल जाओगी कि तुम मुझे यहाँ कभी मिले भी थे। अभी आपने मान को ये बात बता दी ना, हमारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी बेटे। प्लीज बेटे कुछ दिन के लिए रोक लीजिए। देव ने आपके साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन बेटे उन्होंने आपके पति की जान भी तो बचाई, आपका स्वाद बचाया। लोगों को परेशान नहीं कर सकता हूँ। देव मेरा भाई हो ही नहीं सकता, और मैं साथ में को एक पल भी यहाँ नहीं देखना चाहता। दोबारा ऐसी बातें मत करना देव, देव यहाँ नहीं रहेगा, चाहे दादी माँ मुझे कुछ भी कहे। ठीक है ठीक। क्या हुआ दादी माँ? उफ, लगता है मोच आ गई। दादी माँ बैठी, मैं आपको मलहम लगा कर देती। नहीं बेटा आप हमारी फिक्र मत करिए, आप वो गर्म पानी थोड़ा आउट हाउस ले जाइए, डॉक्टर साहब देव की ड्रेसिंग कर रहे हैं। प्लीज जाइए ना जल्दी। दादी माँ आप प्लीज आराम कीजिए। हम ठीक है। अमित, इतने रात गए तुम कहाँ जा रहे हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये गरम पानी। गरम पानी किसके लिए? ईद में तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। देव के लिए। तुम उस आदमी के लिए ये क्यों कर रही हो? डॉक्टर ड्रेसिंग करे थे तो दादी माँ ने कहा कि दादी माँ ने कहा नहीं क्यों ना कहा। तुम उस आदमी के लिए कोई काम कैसे कर सकती हो? तुम भूल गए कि उस आदमी ने तुम्हारे साथ क्या किया था। सब कुछ भूल गए तुम। क्यों गीत? जवाब दो। उसने ऐसा क्या कर दिया कि तुम सब कुछ भूल के उसकी सेवा कर रही हो? आई एम सॉरी मान। यही मिल जाता हूँ। I'm sorry मान। I'm sorry मान, मैं चाहकर भी आपको सच नहीं बता सकती कि देव ने आपकी जिंदगी बचाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया और उसी एहसान की कीमत मैं आपसे यह सच छिपाकर कर रही हूं।